हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी नेक्स्ट जो चैप्टर है जो हम जेई में रिवीजन के लिए देखने वाले हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन और उनकी प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे 2 क्वेश्चंस के अराउंड रहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम एक बार क्विक रिविजन करने वाले हैं जितनी भी प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम यूज लेंगे, और आगे आने वाले कुछ कॉन्सिक्यूटिव लेक्चर्स के अंदर हम काफी सारे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम सॉल्व अलोंग टाइप का सेशन रखने वाले हैं जिसके अंदर हम बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल फास्ट स्पीड के साथ। और रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स है जो पीडीएफ में मैं कुछ यहाँ सॉल्व करूंगा, और जो बाकी की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स होगी वो मैं ट्राई करूंगा कि वो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस घर पर ही कर सको। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम 2 क्वेश्चंस के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रॉपर्टीज फास्ट क्विकली रिवाइज करने वाले हैं, और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, और अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, और अब हम प्रॉपर्टीज के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो बोलती है कि अगर आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी वेरिएबल डी एक्स के साथ, मान लो आपकी लिमिट है लेट से ए से बी, तो आप ये जो वेरिएबल है, ये जो एक्स और ये एक्स यहाँ है, ये वेरिएबल सिर्फ एक नाम है जो हमने दिया है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप इसी इंटीग्रेशन को ए से लेकर बी एफ ऑफ वाई डी वाई इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसी को ए से लेकर बी एफ ऑफ जेड डी जेड ऐसा भी लिख सकते हैं। इन सब में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक टिप जो आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई लोगों को नहीं पता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एक्स, और यहाँ पर हम कोई फंक्शन ले लेते हैं लेट से एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला एक्स जो हम यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर ले रहे हैं और ये लिमिट्स वाला जो एक्स है, ये दोनों सेम वेरिएबल नहीं है, ये दोनों अलग अलग एक्स है। लिमिट्स हमारे इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद लगेंगी। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 0 से लेकर के एक्स टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये लिमिट्स एज इट इज रहेंगी, ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक लेटर है, इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन नहीं है, सब्सटीट्यूशन बिल्कुल अलग चीज है जो आप इनडेफिनेट में पढ़ते हैं, बट ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक लेटर है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी जिस पर हम आते हैं वो है इन्वर्जन ऑफ लिमिट्स। यानी कि अगर आप ए से लेकर बी तक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, तो आप ये लिमिट्स इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर बी से लेकर ए आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ माइनस साइन लगा दें और एफ एक्स डी एक्स का ही इंटीग्रेशन कर लें। ये प्रॉपर्टी हम चलाकर कहीं अप्लाई नहीं करते हैं, बट हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की जगह अक्सर जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कई सारे क्वेश्चंस की जगह के अंदर हमको जेई में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। जैसे वाई की जगह कभी 1/x रख दिया, कभी 1 - x रख दिया, कभी x/1+x रख दिया, कभी -x रख दिया, इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस लगते हैं, लीनियर सब्स्टिट्यूशंस या 1/लीनियर या लीनियर अपॉन लीनियर, कई सारी जगह। तो स्पेशली ये 1/x टाइप के सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपकी लिमिट्स कई बार चेंज हो जाती है, -x में भी होता है, कई बार होता है इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस में। तो वहां अगर आपका ए से बी, बी से ए बन जाता है, तो वापस उसे ए से बी बनाने के लिए ये नेगेटिव साइन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है इन्वर्जन की। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम इस क्विक रिविजन में देखने वाले हैं वो इस तरह से है कि मान लो आपके पास इंटीग्रेशन है ए से लेकर बी एफ एक्स का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम एक पूरा अलग लेक्चर इस पे रखने वाले हैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, जहां हम लिमिट्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो आप ए से बी के इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हो ए से लेकर सी प्लस सी से लेकर बी में, और तीन पार्ट्स भी कर सकते हो, ए से लेकर सी, सी से लेकर डी, डी से लेकर बी। अक्सर ये स्प्लिटिंग जो है लिमिट्स की, ये स्प्लिटिंग अक्सर तब करी जाती है जब एफ एक्स कहीं पर डेफिनेशन चेंज कर ले। जैसे मान लो आपका फंक्शन कहीं किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक हो रहा है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, तो वहां पर आप इंटीजर्स पे क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। या मॉड एक्स का फंक्शन है तो जहां भी वो अपना साइन बदल रहा है, अपनी डेफिनेशन बदल रहा है, वहां आप उसे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट स्प्लिट करने की, जहां फंक्शन अपने डेफिनेशन चेंज करेगा या फिर जहां कहीं कंटिन्यूस नहीं होगा तो वहां पर हम उसे ब्रेक कर देंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं, तो वो कुछ इस टाइप से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लो -a से a इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का इस तरह से, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अभी हम प्रूफ पे नहीं जा रहे, सिर्फ क्विक रिविजन देख रहे हैं। 0 से लेकर a
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में हम इनको यूज करने वाले हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर फोर है। ये स्पेशल स्पेशली तब हो जाती है जब फंक्शन एफ एक्स इवन या ऑड होता है। इवन फंक्शन के केस में आप सभी जानते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है। तो अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इवन है तो आप इसे जीरो से लेकर ए टू टाइम्स एफ एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपका फंक्शन ऑड होता है तो वहां पर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाती है। तो वहां पर ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये सम जीरो हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा। बाकी जगह भी हम यही चीज लगाएंगे, तो ये इवन ऑड में बस ये स्पेशल फॉर्म ले लेता है। तो माइनस ए से ए का ये इंटीग्रेशन जीरो से ए में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स में इस तरह से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कई सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। तो अगर कहीं आपको माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन दिख रहा है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप ये लगाएं, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद कई सारी बार ये प्रॉपर्टी लगती है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको किंग प्रॉपर्टी के नाम से भी हम बोलते हैं। तो ये बोलता है कि अगर आपका फंक्शन ए से बी का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, एफ एक्स का कर रहे हैं लिमिट्स ए से बी में, तो आप इसको एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपर प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स इसमें भी ब्रेक कर सकते हैं। और हम क्वेश्चंस में देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये यूज होती है, ठीक है। तो हम ये अक्सर कैसे यूज होती है कि जैसे आपका इंटीग्रेशन है आई और ये आप कर रहे हो ए से लेकर बी एफ एक्स, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर पाते तो आप क्या करते हो, अच्छा हमने किंग पढ़ी थी चलो इसमें किंग अप्लाई करते हैं, आप ए से लेकर बी का इंटीग्रेशन ऐसे भी लिख देते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। आप अभी भी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, लेकिन जब आप एल एच एस आर एच एस इन दोनों का ऐड करते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम चीजें ही हैं इसलिए दोनों को आई लिखा गया है, बट आप जब इन्हें ऐड करते हैं तो टू टाइम्स आई, आई वो इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये टू टाइम्स आई आपका ए से लेकर बी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप ये एडिशन करेंगे तो कई सारे टर्म्स कैंसिल होकर एक बहुत सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो ये किंग प्रॉपर्टी है, इसे हम यूज करेंगे, तो प्लीज इसे ध्यान रखें। इसी का एक छोटा सा सिंपलर वर्जन ऐसा भी होता है कि अगर हम इस तरह से इंटीग्रेशन कर रहे हैं जैसे जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इस इंटीग्रल आई को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो से लेकर के ए। अब यहाँ पर ए से बी नहीं जा रहा, जीरो से ए जा रहा है, पर फॉर्मूला वही लगेगा जीरो प्लस ए माइनस एक्स, तो ये भी किंग ही है। तो ये किंग प्रॉपर्टी हम बहुत ज्यादा बार यूज करने वाले हैं। कई बार ऐसे होगा कि पहले फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी माइनस ए से ए वाली, वो सिंप्लीफाई होगी, फिर किंग लगेगी, और किंग लगने के बाद कभी कभी क्या होता है कि हमने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी और ये हमने ए प्लस बी माइनस एक्स में कन्वर्ट भी किया लेकिन अभी भी रिजल्ट हमारा सेम ही आ गया, कुछ चेंज आया ही नहीं। तो जब किंग काम में नहीं लेंगे तो कौन काम में आएगी, क्वीन काम में आएगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर देखते हैं जो अक्सर तब लगती है जब किंग फेल हो जाता है, तो राजा काम नहीं आ रहा तो अब क्या यूज करेंगे, क्वीन प्रॉपर्टी, है ना। तो क्वीन प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, मान लो आप जीरो से टू ए का इंटीग्रेशन, अब वो नहीं देंगे टू ए, है ना, हमें मान के चलना है कि ये जो अपर लिमिट है ये क्या है टू ए। तो अगर आप यहाँ जीरो से टू ए का इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स। तो आप ध्यान से देखें बेटा, ये एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स जो है ना, ये किंग लगाने पर ही बनेगा, ये इंटीग्रल आई है अगर मान लो, तो जीरो से टू ए अगर आप देख रहे हो एफ एक्स, तो आप किंग लगाओगे तो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स आएगा। अब जब किंग फेल हो जाएगा, काम नहीं आएगा, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स अक्सर क्या आ जाते हैं, बराबर ही आ जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ये क्वीन काम क्यों आती है, क्योंकि ये आपकी जो अपर लिमिट है टू ए इसको आधा कर देती है, हाफ कर देती है, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स हो जाता है। अभी क्वेश्चन की एग्जाम्पल्स की चिंता मत करो, अभी के लिए इनको याद रखने पर फोकस करो, हम इन सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जीरो से ए में कन्वर्ट हो जाता है और इनका एडिशन हो जाता है, अक्सर क्वीन अप्लाई करने के बाद किंग यूज में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां माइनस ए से ए टाइप की फॉर्म हो, तो पहले उसको जीरो से ए बनाया, फिर उसमें क्वीन लगाई और फिर उसमें किंग लग गया, तो ये हमारी क्वीन प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो आपके पीरियोडिक फंक्शंस में बहुत काम आती है, जिनका पीरियड होता है। पीरियोडिक फंक्शंस कैसे होते हैं, जो जिसमें एफ ऑफ एक्स प्लस टी वापस एफ एक्स आ जाए, इनको टी जो होता है इनका फंडामेंटल पीरियड है, जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड 1, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी है इसको हम जैक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है।
तो किंग क्वीन और लास्ट में क्या है जैक। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जैसे इसके अलग अलग वेरिएशंस है कि जैसे आप जीरो से लेकर एन टाइम्स टी, एन जो है ये यहाँ पर हमारे पास कोई इंटीग्रल मल्टीपलिटी का हमारे टाइम पीरियड का इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स से डीएक्स। जैसे मान लो आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 से 4 पाए, तो आप सिंपली क्या समझ सकते हो कि 0 से 2 पाए जो है उसमें जो इंटीग्रेशन होगा वही 2 पाए से 4 पाए में होगा, क्योंकि 2 पाए से sin x क्या करता है रिपीट करता रहता है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि हम 0 से 2 पाए में इंटीग्रेशन करके डबल कर दें। अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 100 में करना है और उसका पीरियड 1 है, तो आप 0 से 1 में करके 100 टाइम्स कर दो। तो इसलिए अगर 0 से n टाइम्स टाइम पीरियड तक इंटीग्रेशन है, तो आप इसको लिख सकते हो एन टाइम्स 0 से लेकर t का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। आप पीरियोडिक फंक्शन को थोड़ा सा धक्का मारोगे आगे या पीछे, तब भी टाइम पीरियड के अंदर इंटीग्रेशन सेम रहेगा। तो अगर आपके पास 0 से n t की जगह ऐसा भी है ना, a से लेकर a+nt, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो आपकी जो 0 से t में पूरा साइन एक्स की वेव थी, ये अब a यूनिट्स आगे शिफ्ट हो गई, तब भी इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, टाइम पीरियड तो उतना ही ले रहे हैं। तो a से लेकर a+nt, अगर ऐसा इंटीग्रेशन भी आप देख रहे हैं एफ एक्स डी एक्स में, तो ये और 0 से लेकर nt वाला इंटीग्रेशन, ये दोनों भी क्या रहते हैं आपके, बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप मान लो mt से nt इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जहां m और n क्या है इंटीग्रल मल्टीपल्स है ना, इंटीजर्स हैं, और nt mt t के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, तो ये भी क्या है mt वेव से nt वेव, तो m into t है ना। जैसे 4 पाई से 10 पाई में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 6 पाई का पीरियड आ रहा है बीच में, तो आप 0 से 6 पाई कर लो, टाइम पीरियड के अंदर ही हम पीरियड 2 पाई है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो है ना, बीच में 6 पाई में 3 साइकिल्स आई, तो आप यहाँ पर कर सकते हो कि अच्छा mt से nt में कितनी साइकिल्स आ जाएगी, n-m साइकिल्स, और इंटीग्रेशन अब कर देंगे 0 से लेकर t fx dx का। तो बिल्कुल लॉजिकल है ना, 0 से t एक साइकिल में जो इंटीग्रेशन है वही 0 से वही t से 2t में होगा, वही 2t से 3t में होगा, इस तरह से ये चलता रहेगा है ना। और एक और इसी का वेरिएशन है कि अगर मान लो आप a+ टाइम पीरियड से b+ टाइम पीरियड में जा रहे हो है ना fx dx, तो ये टाइम पीरियड यहाँ आपका क्या है सेम है, तो ये हट जाएगा और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ मान लो आप 2π+π/3 से 2π+4π/3 में साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आप π/3 से 4π/3 में कर लो, 2π तो पीरियड है। तो ये 7 बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है जिनको हम यूज करने वाले हैं, जैक, क्वीन, किंग, और ये माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी अक्सर काम आएगी, ये देखते ही आपको पता चल जाएगा। अगर लिमिट्स नेगेटिव से पॉजिटिव सेम वैल्यू में है तो ये लगेंगी, और लिमिट स्प्लिट करना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक है। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम PDF सॉल्व करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस के, तो खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ काम मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें है ना, और हम इसी तरह अच्छा कंटेंट देखने की रिवाइज करने की कोशिश करेंगे जेई के लिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, एंड थैंक यू एवरीवन, और इसी तरह हम मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ओके।